जंगो जदल के उस मैदान में हमले करता था और भगा देता था और एक सख्त और बड़े पत्थर की तरह बुलंदी से गिरता था और मैदान जंग में दुश्मन को कत्ल करता जाता था। दुश्मन उसको देखकर भाग जाते थे और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं तुम्हें बहुत याद करता था उस वक्त जब मेरी तलवार खून में सुर्ख हुई होती थी और मेरी ख्वाहिश होती थी कि नेजे मेरी तरफ आए और मैं इन नेजों के सामने अपने सीने को इस तरह ले आऊं जिस तरह एक शेर हमले के वक्त दम दबाकर नहीं भागता बल्कि ओ। अब बस करो एनफ। मैं जंग से बेजार हो गया हूँ और ताकत रखने के बावजूद बख्श देता हूँ। कौन सी जंग? तुम तो बकरी के एक दुम से भी खौफ ज़दा हो जाते हो। कौन सी ताकत की बात करते हो जबकि हमारे पास सिवाय बंजर जगह के और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बंजर जगह पर पानी तो है ना? खुदा का शुक्र कि इस जगह पानी तो है। शिकायतें ही करती रहती हो। अगर जिंदगी में ये जवानी की लज्जत न होती तो मेरे लिए बहुत दुश्वार हो जाती। ये क्या उल्टी सीधी बोलते रहते हो एना? शेर शायरी कर रहा हूँ। आखिर शेर पढ़ने का क्या फायदा है? 3000 दीनार। 3000 दीनार? ये दीनार हमें कहाँ से मिलेंगे एनफ? हर खजाने की एक चाबी है और हारून रशीद के खजाने की चाबी शेर है। तुम कहाँ और हारून रशीद कहाँ? नहीं, बहुत नजदीक हूँ। देखो, इब्ने जामी ने कुछ दिन पहले अपने अशार के लिए 3000 दीनार लिए हैं हारून से और फिर मेरे अशार की कीमत तो यहाँ से मेरे चचा के खेमे तक और ऊंट की कीमत के बराबर है और मैं जानता हूँ कि मुझे ये जरूर मिलेगी। क्या तुम अपने आप को इब्ने जामी के हम पल्ला समझते हो एनफ? एनफ, कहते हैं कि एक मच्छर हवा खा रहा था कि हाथी बन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा रमला? यानी ये कि मच्छर ने इस कदर हवा अपने अंदर भरी कि मर गया। मुझे अपने घर और जगह की याद में रोने दो रमला, ताकि मेरे दिल का सारा गुबार बाहर निकल आए। ये जो आदमी लकड़ी पर सवार होकर गया है कौन है? तुम इसे नहीं जानते? ये लकड़ी पर क्यों सवार है? ये इसे घोड़ा समझता। खुदा इस बेअकल को समझे। क्या तुम्हें मालूम है ये शख्स मजलूमों और जरूरतमंदों की बहुत मदद करता है जबकि खुद खलीफा हारून रशीद जालिम हाकिम है। खुदा के भी कैसे कैसे बंदे हैं, मुझे यकीन नहीं आता। तुम कहाँ रह गई हो रमला? बस एक मिनट सबर करो, अभी आ रही हूँ। भूख से मैं मर रहा हूँ। ये लो। ये क्या चीज है? ये मुर्गी का शोरबा है और अभी बनाया है मैंने। इससे पहले तो कभी मैंने ऐसा शोरबा नहीं खाया। नहीं खाया तो अब खा लो। आखिर ये पानी कब से शोरबा बनने लगा? उस वक्त से जब से मेरा शोहर चरवाहे की जगह अपने आप को शायर समझने लगा है। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने शोरबा मांगा था, पानी नहीं। घर में जो है वही मिलेगा। सुनो एनफ, अगर तुम इसी तरह घर में बैठे रहे तो फिर ये पानी भी नहीं मिलेगा। जंग में ऐसा था कि मेरे खुदाया, फिर वही जंग। अब उठ जाओ तुम और जाकर कुछ कमा कर लाओ। गया था कमाने लेकिन नाकाम हो गया। अगर मायूस हुए तो फिर मुकद्दर में नाकामी ही होगी। कारोबार में भी किस्मत आजमा चुका हूँ, हाथ तो क्या लगता, जो हाथ में था वो भी निकल गया, यानी दुम्बे। यानी अब तुम शायर बनना चाहते हो? अगर लज्जत जवानी न होती तो फिर ये जिंदगी फिर दोबारा शुरू हो गए। जरा इस बर्तन की तरफ देखो और तसव्वुर करो कि इसमें पानी की जगह आग है या बकरी का गोश्त है या मुर्गी का शोरबा। तुम शेर व शायरी से क्यों इतना चिढ़ती हो? तुम्हें मालूम है कि इब्ने जामी ने 3000 दीनार इसी तरह कमाए हैं। हुक्मरानों को आखिर क्या हुआ है जो बोलने वालों को इतना खिलाते हैं और भूखों के पेट से बेखबर है। सुनो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, इस वक्त कहाँ होगा? मेरे ख्याल में शायद हारून रशीद के महल में होगा। हारून के महल में? हाँ बिल्कुल, गौर से सुनो। एक दिन वो मेरे पास आया, गौर से सुनो। उसने मुझसे कहा है गौस। मैंने कहा बोलो क्या तुम्हें खाने के आदाब के बारे में पता है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा तो बताओ। मैंने कहा
सबसे पहले हाथ धोता हूँ, फिर बिस्मिल्लाह कहता हूँ और अपने लुकमे को आराम से चबाता हूँ और कभी भी लोगों के लुकमों की तरफ नहीं देखता हूँ। फिर उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये सब जो तुमने कहा सही है, लेकिन असल बात का तो तुमने जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा, वो असल बात क्या है? कहने लगा कि तुम्हारा हर लुकमा हलाल होना चाहिए। अगर खाना हराम होगा तो फिर उसके आदाब का ख्याल रखने का कोई फायदा नहीं। क्या ये उस शख्स ने कहा जो लकड़ी के घोड़े पर सवार था? मैं यही तो बता रहा हूँ कि असल में वो बहुत समझदार शख्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहर के दारोगा। ये लो। नहीं, पहले तो तुमने कभी नहीं कहा। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे सीख के पैसे ले लो। ताज्जुब है, तुम कब से चीजों के पैसे देने लगे हो? एक तवील अरसे। मुझे तुम पहली दफा पैसे दे रहे हो। ताज्जुब है, आज शहर के दरोगा के साथ मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई हादसा पेश आया है। ए मोहब्बत की दरगाह, तुम जो भी हुक्म करोगे वो मेरी इस्लाह के लिए होगा, चाहे तुम सारे जहानों के गुनाह ही मेरे लिए क्यों ना लिख दो। अगर तुम्हारी कमर दजला का पुल भी हो तब भी इसकी ताब नहीं ला सकती। इस शेर के लिए मैं तुम्हें 100 गज जमीन देने को तैयार। ए खुदा मेरे मौला मेरे आका को सलामत रख। ए खुदा मेरे मौला मेरे आका को सलामत रख। खुदा आपके तख्त को आपकी हुकूमत को और मजबूत करे। अगर ये मुमकिन होता कि कोई कौम सूरज के ऊपर बैठ सकती तो यकीनन वो आप और आपके अहले बैत होते। दुनिया में जितनी बरकत है वो आपकी सखावत की वजह से है। दुनिया में जितनी रहम दिली है वो आपकी खुदा तरसी की वजह से है। दुनिया में जितना प्यार है वो आपकी मोहब्बत की वजह से है। आपकी सिफात, आपकी खुसूसियात, अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। ये तुम क्या कह रहे हो बवाब? अफसोस है बवाब। काश जनाब आली गौर करते कि सिर्फ 100 गज जमीन के लिए इसने आपको सूरज के ऊपर पहुंचा दिया है। अगर आप इसे जरखेज हरी भरी जमीन दे देते तो ये आपको किस बुलंदी पर पहुंचा देता। कार के बैठे हो है ना? तो तुम मुझसे क्या चाहती हो ऐ औरत? कुछ नहीं कर सकते तो जाकर इन पत्थरों को फरोख्त करो। मेरा अब ये काम करने को दिल नहीं करता। तो फिर तुम्हारा क्या करने को दिल करता है, जबकि इस गधे के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है? मेरे पास ये चादर, कंबल और ये खैमे भी हैं। तो फिर मटके और पानी को भी गिन लो जिसे तुम भूल गए हो। अगर तुम ये चीजें रखने पर भी नाश करोगे तो खलीफा, वजीर और दरोगा क्या करेंगे? खुदा ने चाहा तो मेरा भी उन लोगों में शुमार होगा। ज्यादा बकवास मत करो, उठो उठो, जल्दी मैदानों में जाकर पत्थर जमा करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठो। सुनो रमला, अब मैं कभी ये काम नहीं करूँगा। तो फिर तुम क्या काम करना चाहते हो? बगदाद जाने का सोच रहा हूँ। बगदाद जाकर क्या काम करना चाहते हो एनाफ? दूसरों की तरह कारोबार करूँगा और सूद से खूब माल कमाऊंगा। कौन सा कारोबार करोगे जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिरहम है? मेरे इरादों को कमजोर मत कर ऐ औरत। मैं तुम्हारे इरादों को कमजोर कर रही हूँ ना?
जरा सोचो अगर हम बगदाद गए तो। बेहतर है ये सोचो कि मैं बगदाद चला गया। ये क्या कह रहे हो एनफ, क्या तुम मेरे बगैर बगदाद जा रहे हो? क्योंकि इस सफर में एक हम सफर भी है मेरे साथ। कौन सा हम सफर है तुम्हारा? मेरा गधा। हाँ, क्या तुम पागल हो? गधे को साथ ले जाकर मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दोगे? अकलमंद वो है जो अपने साथ ऐसा हम सफर रखे जो फायदेमंद भी हो और कम खर्च भी। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم बाकी रह गए हैं तुम्हारे पास एनफ? दो दिरहम। क्या तुमने बाकी दिरहम से अखरोट खरीद कर सही काम किया है एनफ? मैं भी कितना पागल हूँ कि तुम्हें अपने साथ ले आया। क्योंकि मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ। नहीं बल्कि तुम मुझे बात बात पर टोक रही हो। इस तरह तुम बगदाद में कारोबार नहीं कर सकते। मुझे बगदाद में तुम्हारा कारोबार फायदेमंद नहीं होगा। कोशिश कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ दो दिरहम बाकी बचे हैं। सोचा है तुमने कि हम क्या खाएंगे? एक दिरहम खाने के लिए, एक दिरहम सोने की जगह के लिए, फिर जल्द से जल्द अखरोट बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे। फिलहाल तो मुझे प्यास लग रही है अनफ। मुझे भी प्यास लग रही है। चलो ऐसी जगह जहाँ पानी मिल जाए। चलो मैं तुम्हें देख लूंगा अपालू बाबे। तुम परेशान मत हो बैलूल, मैंने तुम पर कामयाबी हासिल कर ली है। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद करोगे। ये तुमने खजूरों पर कपड़ा क्यों नहीं डाला अबा मूसा? अभी जोहर का वक्त नहीं हुआ है। तो क्या मक्खियों को सुबह और शाम का वक्त मालूम होता है अबा मूसा? बहुत लजीज नजर आ रही हैं खजूरें। कहाँ से लाए हो अबा मूसा? बसरा से। और ये कहाँ से लाए हो? जहन्नुम से। जहन्नुम से? मुझे बताओ कि क्या अब जख्म का दरख्त खजूर के दरख्त में तब्दील हो गया? तुम आज गुस्से में क्यों हो अबा मूसा? जब तुम यहाँ आते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अब मैं आऊँ तो खजूरों पे कपड़ा ढका होना चाहिए वरना। ए
एक सीख कलेजी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? पहले तो तुम एक डब्बा पानी ले आओ, मैं प्यास से मर रही हूँ। ठीक है, तुम यहीं गधे के पास रुको, मैं अभी गया और अभी आया पानी लेकर। यहीं रुकना। चल भाग, चल भाग मेरे घोड़े। हाँ, क्या बात है? बताना जरा, क्या कोई बात हुई है बगदाद में? हाँ, क्या जबरदस्त बात हुई है। काजी जुनेद और साद के कारनामों के बारे में काजी उल कज़्ज़ाद को सब मालूम हो गया है ना जी बात। चल मेरे घोड़े। मुझे लग तो रहा था कि जरूर कोई बात हुई है, वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि साद इधर आए कुछ खाए पिए बगैर और लोगों को परेशान किए बगैर चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया, पानी की तलाश में था कि लोगों से आपकी दुकान का पता। पानी के लिए सही जगह पर आए हो तुम, जो भी यहाँ आया ना उम्मीद नहीं गया। ये पानी इस्फहान की बर्फ से है, कितना दे दो तुम्हें, एक दानिग, दो दानिग या आधे दिरहम का? क्या कहा, क्या आप पानी बेचते हो? तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम इस शहर में नए आए हो। मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना कि पानी की भी कीमत होती है। अफसोस है अहले बगदाद पर, हम लोग तो भूखे प्यासे जंगलों सहराओं से होकर आने वाले लोगों को खुद पानी पेश करते हैं। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास पानी के लिए रकम मौजूद है तो पानी देता हूँ, नहीं तो तुम जा सकते हो। बस इसी चीज की कमी थी। अबा मूसा, ये पानी कहाँ से लाए हो? आसमान से बारिश हुई और मैंने जमा कर लिया। बारिश किसकी कुदरत से आती है? बेशक खुदा की तरफ से। बादलों को किसने भेजा? जाहिर है खुदा ने। कीमत ली उसने? ये तो अपने बंदों के लिए खुदा की तरफ से रहमत है। ताज्जुब है अबा मूसा, क्या ये मुमकिन है जो पानी तुम्हें बगैर कीमत के मिल रहा है तो उसको इस तरह फरोख्त करो? चल मेरे घोड़े, चल। मुझे लगता है कि तुमने दोबारा शराब पी हुई है बालू बाबा। झूठ क्यों बोल रहे हो दरोगा? क्या कहा? आप मुझे देख नहीं रहे हो बल्कि सूंघ रहे हो। चाहे देखूं या सूंघूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इस हरकत के लिए भारी जुर्माना देना पड़ेगा। क्या कहा, कौन सा जुर्माना दरोगा? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे आका को तो पता है कि मैं कभी कभार। लेकिन मुझे हुक्म मिला है कि मैं जिस किसी को भी शराब के नशे में देखूं गिरफ्तार कर लूं। फिर तो दरोगा साहब, मुझे और तुम्हें काजी के पास एक ही हुक्म का सामना करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, चलो ये शिकायत लेकर काजी अल कुज़्ज़ात के पास चलते हैं। तुम्हारा मतलब इब्ने सकीत है? नहीं नहीं, मुझ पर मेहरबानी करो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना इब्ने सकीत के पास, तो हमें इब्ने सकीत के पास जाना ही है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये रख लो, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा और तुम खामोश रहोगे, ठीक है ना दरोगा साहब? जैसे तुम्हारी मर्जी। पी लो, तुम जितनी पीना चाहे पी लो, किसी भी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा तुम पर। अगर लकड़ी के घोड़े पर सवार शख्स न होता तो पानी के लिए एक दिरहम देना पड़ता। एनफ, वो शख्स लकड़ी पर क्यों सवार होता है? कहते हैं वो उसे अपना घोड़ा समझता है। मैं उसे जानता हूँ। जानते हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। मजबूर हूँ कुछ न करने के लिए, जब यहाँ पानी के पैसे मांगते हैं तो गोश्त रोटी का क्या हाल होगा? तुम बताओ क्या करें, बगैर खाए पिए रह सकते हैं हम? कोई सस्ता सा खाना ढूंढते हैं। अगर तुम अखरोट ना खरीदते तो अभी हम अच्छा खाना खा सकते थे। मैंने कहा ना, इस कारोबार में मुनाफा कमा कर हम अच्छा खाना खाएंगे। ए लोगो, ए बाजारे काफ के रहने वालों, जो मौजूद हैं या मौजूद नहीं,
उन्हें इतना दी जाती है कि हमारे खलीफा और मौला हारून रशीद ने ये फरमान जारी किया है कि लोगों को हर तरह की तकलीफ पहुंचाना मना है। जो कोई भी लोगों की परेशानी का बायस बनेगा उसे कैदखाने में डाल दिया जाएगा। वो मोटा आदमी कौन है जो हमारी तरफ देख रहा है? उसकी तरफ मत देखो तुम। कौन हो तुम दोनों? पहले सलाम करते हैं शख्स। मैंने कहा कौन हो तुम दोनों? हम शाम के नजदीक गांव में रहते हैं। गांव में रहते हो? ये क्या है? ये शामी अखरोट है। शामी अखरोट? मुझे यकीन नहीं, खा कर देखना पड़ेगा। नहीं, ये शाम के अखरोट नहीं है यकीनन। जी हाँ, ये शामी है और हमने शाम से खरीदे हैं। मुझे दोबारा खा कर देखना पड़ेगा। अफसोस है तुम पर है शख्स, लोगों की मेहनत की कमाई को अपने ऊपर हलाल समझते हो। मुझे नहीं पहचानते हो? मैं इस शहर का दारोगा हूँ। अगर तुम्हारी जगह खलीफा भी होता तो मैं उसे भी ऐसा नहीं करने देता। एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, देख लेना तुम। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। अफसोस है तुम पर अब आप अपने जूते को अमीरुल मोमिनीन के चेहरे की तरफ कर रहे हो। आप कैसे अमीरुल मोमिनीन हैं जो आबाल उबाबे जैसे शराबी को इनामो इकराम से नवाजते हैं? चलो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, इसके लिए सजा तजवीज करो। मेरे आका हारून रशीद सलामत रहे, आपने कुछ दिन पहले भी मुझे माफ कर दिया था। अबा वहाब के पास ये इख्तियार है कि तुम्हें सजा दे, इस शर्त के साथ कि ये ना तुम्हें हाथ लगाए ना पैर मारे और ना ही तुझे जबान से सताए। अब मसला हल हो गया। सुना तुमने आका ने किस तरह की शर्त रखी है? अब तुम अपने हाथ पैर और जबान से कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करोगे? मुझे भी खलीफा की ये शर्त मंजूर है। उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। ठीक है। मेरा घोड़ा था जो तुझे मार रहा था, मैंने खलीफा के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। बालू बाबे, कैसा लगा मेरा ये फैसला? मैंने कीमत चुका दी ना। अब मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा मेरे आका, कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ? यकीन करें मेरे आका, कसम खाता हूँ कि अब कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। ये वही आदमी है रमला जिसने हमें पानी पिलाया था और अब खाना देकर चला गया है। आखिर ये इस मेहरबानी के बदले में क्या चाहता है? नेक आदमी है। इसमें सिर्फ एक ऐब है कि ये लकड़ी पर सवार होकर उसे अपना घोड़ा समझता है। एनफ, देखा तुमने, अभी वो लकड़ी पर सवार नहीं था। शायद अपने घोड़े को आराम करने की गर्ज से छोड़ कर आया हो। शहर के दारोगा और काजी जुनैद के बारे में ये खबरें सही हैं कि वो अब रुस्वा हो रहे हैं? हाँ, अब वो दोनों बहुत बदनाम हो गए हैं।
قاضی القضات نے ان پر بہت سختی کی ہوئی ہے۔ شہر میں پہلے کی طرح فساد نہیں پھیلا سکتے۔ ان کے نہ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں ہمارے لیے تو اور مشکل ہو جائے گا۔ اب ہمیں منافع خوری کم کرنا ہوگی، یقیناً ان کی نظریں ہم پر بھی ہوں گی۔ کاش معاملہ یہیں ختم ہو جاتا، لیکن لگتا ہے کہ اب ان کی پورے شہر پر نظر ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، اتنے بدزن مت بنو، جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی اور ابن سقید کی جگہ بیٹھ جائے اس منصب پر۔ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے شاہ۔ انتقام مگر کس سے داروغا؟ پہلے تیرے جانور سے، پھر تجھ سے، اور پھر تیری بیوی سے۔ کس لیے؟ اس اخروٹ کی وجہ سے جو ہماری مل گئے تھے۔ قسم کھاتا ہوں اس ایک اخروٹ کی خاطر ایک ہفتہ قید خانے کا مزہ چکھ۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہمیں قید خانے بھیجو گے؟ خلیفہ کے حکم کی خلاف ورزی پر۔ لیکن خلیفہ نے کیا حکم دیا؟ جو کوئی لوگوں کو تکلیف دے گا قید خانے میں جائے۔ ہم نے کسے تکلیف دی ہے اور کب تکلیف دی ہے؟ ابھی کے ابھی لوگ اس وقت سو رہے ہیں، اور تم اپنے خچر کے ساتھ گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہو، اور تمہارے چلنے پھرنے کی آوازوں سے لوگ بے آرام ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہی خلیفہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو ابھی اور اسی وقت تیرا گلا دبا دیتا۔ خاموش، چلو اب قید خانے چلو، جلدی سے۔ سعد، کیوں انہیں قید خانے لے جا رہے ہو؟ تم بیچ میں مت بولو ابا وہاب، جاؤ۔ تم نے ہمیں پانی اور کھانا دیا، اب تم ہمیں اس مصیبت سے، اس جانور نما انسان کے ہاتھوں سے نجات دلاوے شخص۔ ہم تمہاری اس مہربانی کو ساری زندگی یاد رکھیں گے ابا وہاب۔ بہتر ہے تم دونوں اس عقل مند انسان کے سامنے فریاد کرو۔ خلیفہ محترم اس طرف آ رہے ہیں، جس کسی کو کوئی شکایت ہے وہ آ سکتا ہے۔ او کہف کے رہنے والوں، خلیفہ محترم اس طرف آ رہے ہیں، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ شکایت ہے، مجھے ایک شکایت کرنی ہے۔ تیرا شکایت کرنا فضول ہے جوان، یہ تو خلیفہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا قید خانے کے جانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ تم نے رات کے اس پہر لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ احمق انسان، اگر ان کے پیروں سے چلنے کی آواز یا تیرے پیروں سے چلنے کی آواز سے قید خانہ جانا واجب ہوتا تو پھر پہلے خلیفہ اور اس کے کارندوں کو قید میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہاں اس وقت اس کا ایک کارندہ لوگوں کو شدید تکلیف پہنچا رہا ہے اس آدھی رات کو۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے سن لیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ پہلے جا کر اپنے خلیفہ کو گرفتار کرو، کیونکہ وہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، پھر یہاں آ کر ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جانا۔ کیا کرنا ہے؟ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ تم جیت گئے ابا وہاب، لیکن تمہاری یہ جیت آخری بار ہے۔ اور تم ہار گئے ہو کیونکہ تم بہت ہی بھولے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔